नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए जिंदगी और मैं हूं दामिनी यादव। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रही हूं, दुनिया की शायद ही कोई ऐसी महिला हो जो इस टॉपिक के बारे में अवेयर ना हो। मासिक चक्र, पीरियड्स, मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन, ये वो वर्ड है जिसे दुनिया की हर औरत अवेयर है। और अब जमाना इतनी तेजी से आगे बढ़ चुका है कि क्या औरत क्या मर्द सभी इससे वाकिफ भी हैं, इसकी अहमियत समझते भी हैं और हर इंसान की जिंदगी में ये कहाँ क्या और किस रूप में मायने रखता है इस बारे में अच्छी खासी जानकारी भी रखते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। मासिक धर्म से जुड़ी ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जिसे एक महिला ही समझ सकती है, यानी इस दौरान होने वाली थकावट, सुस्ती, कमजोरी, खून की कमी या पेट और शरीर में होने वाला दर्द। अब ऐसे बहुत सारे तरीके आप जानते ही होंगे, इस बारे में बहुत सारी अवेयरनेस आज हमारे समाज में फैल ही चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ तौर तरीके ऐसे हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाती हूँ। बरसों पहले आपको याद होगा कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को न सिर्फ अलग थलग रख दिया जाता था, बल्कि उनके रहने सोने का कमरा अलग होता था, उन्हें बहुत सारी चीज़ों को छूने की मनाही होती थी, पूजा पाठ जैसे कर्म से उनको दूर रखा जाता था, बहुत सारी पाबंदियाँ पर उन पर लागू होती थी। लेकिन असल में ये जो मेन पॉइंट है वो था महिलाओं की सेहत का ख्याल रखना, क्योंकि इस दौरान महिलाओं के शरीर में इतने परिवर्तन होते हैं कि उन्हें आराम की, अच्छी देखभाल की, सही खान पान की बहुत ज़रूरत होती थी। हाँ, ये और बात है कि धीरे धीरे वक्त के साथ उसमें बहुत सारे मिथ जुड़ गए। तो उन मिथ से परे वो कौन से सदाबहार तरीके हैं जो एक महिला के लिए मासिक धर्म के दौरान होने वाली इन तमाम समस्याओं में कारगर साबित हो सकते हैं, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। खास बात ये है कि ये तमाम तरीके और टिप्स न सिर्फ औषधीय विज्ञान पर आधारित हैं, बल्कि पुराने देसी नुस्खे जो कभी पुराने नहीं पड़ते वो भी इसकी बेस है। नंबर 1 पॉइंट, कपड़े आरामदायक हों। एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं इस बारे में भी बहुत अवेयर नहीं होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि कपड़े आप आरामदायक कैरी करें। पैंटी ऐसी हो जो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ये समझती हैं कि पैंट कैरी करने के लिए उनको किसी टाइट पैंटी की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पैंटी साधारण सूती कपड़े की साफ सुथरी हो, ना इतनी टाइट हो कि आपके थाइस पर रैशेस पड़ जाएं, और ना ही इतनी लूज हो कि आपको पैड कैरी करने में दिक्कत हो। आप जो भी कपड़े पहने उसमें कॉन्फिडेंट रहें, कंफर्टेबल रहें। हालांकि इस बात का रंगों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि पीरियड्स के दौरान आप लाइट कलर कैरी करने में अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं, तो आप बेशक डार्क कलर कैरी कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 2, हाइजीन का रखे ख्याल। बेशक ये ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में हम न सिर्फ पीरियड्स के दिनों में बल्कि आम दिनों में भी बार बार बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन पीरियड्स के दिनों में एक महिला का शरीर बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसे पर्सनल हाइजीन का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो भी कपड़े पहने वो साफ़ सुथरे हों, ख़ासतौर से अंडरगारमेंट्स। पॉइंट नंबर 3, और इस पॉइंट को जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये आपको सुनने में अटपटा लग सकता है, बार बार न नहाएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आपको लग रहा होगा कि एक तरफ तो मैं आपसे कह रही हूँ कि हाइजीन का ख्याल रखें, लेकिन जी हाँ, हाइजीन का ख्याल रखने के लिए इतना काफ़ी है कि आप अपनी बॉडी को अच्छे से स्पंज करें। मौसम के हिसाब से आप ये ना सोचें कि सर्दियां हैं तो गर्म पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन गर्मी है तो आप ठंडे पानी की बौछार तले कूद जाएं। जी नहीं, इस समय आपके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है, हल्के गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें, चाहे गर्मी कितनी भी हो। पूरी बॉडी को अच्छे से स्पंज करें, नहाने से बचें, और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा तेज़ परफ्यूम, तेज़ डियो का इस्तेमाल इस दौरान ना करें, जो कि अक्सर बहुत सारी महिलाएं करती हैं। अब यहाँ पर देखिए, औषधीय पॉइंट ये है कि इस समय सभी महिलाओं के शरीर में
तापमान हल्का सा बढ़ा हुआ होता है। ऐसे में अगर आप ठंडे पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो आपको शरीर में होने वाले दर्द, सुस्ती, कमज़ोरी, इसमें कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होगा, बल्कि अगर नहीं भी होते हैं तो ये हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें एक सर्टन एज के बाद हड्डियों से जुड़ी समस्याएं असर करने लगती हैं, जैसे आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर जोड़ों का दर्द। अगर आप पीरियड्स के पूरे टाइम पीरियड में ये रूल फॉलो ना कर सके तो भी कोई बात नहीं, कम से कम पहले दो दिन कोशिश करें कि आप बजाय पूरी तरह से नहाने के बॉडी को एक या दो बार स्पंज कर लें। यकीन कीजिए, ये एक ऐसा औषधीय वैद्यकीय उपाय है जिसका इस्तेमाल करने से आप न सिर्फ जोड़ों के दर्द से बच सकती हैं, बल्कि इसके अलावा शरीर की सुस्ती, कमज़ोरी, बॉडी एक या फिर और भी कई तरह की समस्याएं जो आपको महसूस होती हैं उनका असर आप खुद महसूस कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 4, पैड जल्दी जल्दी बदलें। देखिए, ये सच है कि भारत जैसे देश में बहुत सारी महिलाएं पीरियड्स के दौरान पैड इस्तेमाल करती हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कपड़ा ही इस्तेमाल करना चाहता है। तो अगर आप कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं तो मेक श्योर कि कपड़ा साफ सुथरा हो। अगर आप पैड इस्तेमाल कर रही हैं तो देखिए, बेशक पैड महंगे होते हैं, लेकिन उन पैड्स की कीमत आपकी सेहत से ज़्यादा बढ़कर नहीं होती। किसी भी पैड के इस्तेमाल में आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसे चेंज करने के लिए तब तक इंतज़ार ना करें जब तक पैड चेंज करना आपकी मजबूरी बन जाए। पैड को जल्दी जल्दी दिन में कई बार बदलें, क्योंकि ये आपके पर्सनल हाइजीन के साथ साथ कई तरह के इन्फेक्शन से भी जुड़ा होता है। ये अगला पॉइंट ऐसा है जो हमारी दादी नानियों के ज़माने से ही नहीं, बल्कि उनकी भी दादी नानियों के ज़माने से चला आ रहा है, देसी घी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। ये ठीक है कि आजकल हम डाइटिंग या फिर अपने फिगर कॉन्शियसनेस को लेकर तली भुनी या चिकनी चुपड़ी चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, देसी घी खान पान में इस्तेमाल होने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे न सिर्फ पीरियड्स के दौरान बल्कि ज़िंदगी में कभी भी परहेज करने की ज़रूरत है। शुद्ध देसी घी न सिर्फ आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि अगर आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है तो अपने खान पान के दौरान दाल, सब्जी या चपातियों में लगाकर आप देसी घी का नियमित इस्तेमाल करके तो देखिए इस दौरान होने वाला शारीरिक दर्द होता क्या है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा ज़्यादातर महिलाओं को पीरियड्स के दौरान खून की कमी का सामना करना पड़ता है। देसी घी का नियमित इस्तेमाल न सिर्फ इस दौरान होने वाली शारीरिक कमज़ोरी में आपको मदद पहुंचाएगा, बल्कि शरीर में होने वाले दर्द को भी बहुत हद तक कम कर देगा। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार पीरियड्स के दौरान इन तमाम चीज़ों को अपना कर तो देखिए, ये वो नुस्खे हैं जो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। अब अगला पॉइंट, व्यायाम नहीं आराम का रखे ख्याल। आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी अजीब बातें कर रही हूँ, लेकिन यकीन कीजिए, ये जुड़ी हैं पीरियड्स के दौरान आपके कंफर्ट और आपकी सहूलियत के साथ साथ आपकी सेहत से भी। देखिए, सभी कहते हैं कि चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो या कोई भी आम दिन हो, आपको अपने रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करना चाहिए, लेकिन न सिर्फ विज्ञान की बात कहता है बल्कि बहुत सारे योगा एक्सपर्ट्स और फिजिशियन भी इस बात पर जोर देते हैं कि मासिक धर्म के दौरान एक महिला के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इस दौरान उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम, सही खान पान और बहुत 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 सारे आराम की ज़रूरत होती है। सो इस समय कोशिश करें कि आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने की बजाय पूरी तरह से अपने शरीर को आराम करने दें, क्योंकि इस समय शरीर में होने वाले बदलाव अपना टेम्परेचर बनाए रखते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि पीरियड्स के दौरान ये 5 दिन आए, रहें और गुजर जाएं, तो बस इन छोटे छोटे टिप्स का रखें ख्याल और आपको फिर पता भी नहीं चलेगा, ज़िंदगी हो जाएगी पीरियड्स के दौरान इतनी आसान। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
साथ ही इसके लिए बेल आइकन बटन दबाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना भी ना भूलें।